sanctioning of over 10,000 cases under Back to Village 3, Self-Employment Program, Economic Package and My Town, My Pride. आज की तारीख में टोटल रिसीव्ड एप्लीकेशंस जम्मू कश्मीर बैंक के पास 15,309 है, सैंक्शन 10,828, दिस वाज अमाउंट 100 करोड़, मैं दिस वाज 6734 और अमाउंट जो डिस्पर्स हुआ है वो 100 करोड़ है। ये मोटे तौर पर फिगर हमने आपके सामने रखी है। द ऑकेजन हाईलाइट्स कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू एम्पावर द यूथ विच इज वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रायोरिटीज ऑफ माय गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द बैक टू विलेज 3 वी हैव टेकन अ टारगेट ऑफ कवरिंग एटलीस्ट 2 यूथ इन ईच पंचायत हु आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई एम हैप्पी टू अनाउंस that we have covered nearly 11,000 cases and in order to mark the occasion, one person from each district of Jammu and Kashmir is being handed over sanction letter here. Mitro, yeh sirf aagaaz hai. Hum Jammu Kashmir Union Territory ke sabhi aakanshi yuvaon, aspirational youth, ko apna rozgar lagane mein madad karne ke liye pratibadh bhi hain और दृढ़ संकल्पित भी है। आई कॉल अपॉन ईच एंड एवरी यूथ, यंग बॉय एंड गर्ल्स टू कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन दिस जर्नी ऑफ प्रोग्रेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, हमने रेड टेपिज्म को खत्म करने की काफी कोशिश की है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। मुझे पता है पहले अपना रोजगार सेटअप करने के लिए लोगों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वह तारीख की बात हो गई है, इतिहास की बात हो गई है। अब हमने नई रिवायत चलाई है जिसमें बैंक के अधिकारी अब आकांक्षी युवाओं के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और बहुत कम दिनों में सारी औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जा रही है और उनको सैंक्शन लेटर दिया जा रहा है। दिस टोटली रिफॉर्म वर कल्चर एंड स्विफ्ट गवर्नेंस reflects our resolve to help the young generation in achieving their aspirations. I would also like to call upon the bank to not only provide financial assistance to these young boys and girls, but to also provide hand-holding so that the young persons who opt for self-employment can set up sustainable businesses, help it grow and may create more jobs for the people in the area. There is another very important milestone that we wish to highlight by handing over a check of rupees 2,050 crore to J&K Bank as commencement of our disbursement of 5% interest subvention and coverage of restructured accounts of 2014 and 2016. This is only the beginning, and as and when requests are received for further disbursements, we will continue to meet these requirements in a timely manner. आज एक तीसरी महत्वपूर्ण बात आप सबके माध्यम से आवाम तक पहुंचाना चाहूंगा। आपको याद होगा सितंबर में इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा में श्री के शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को लखनपुर टोल टैक्स खत्म होने के बाद स्थानीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ाई जाए, बिजनेस को कैसे और रफ्तार दिया जाए, उस पर एक महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि समय सीमा के भीतर अब रिपोर्टें जम्मू कश्मीर में आ जाती हैं, सौंप दी जाती हैं और प्रशासन जल्द से जल्द इन सिफारिशों को टाइम बाउंड मैनर में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता है। दीज रिकमेंडेशंस कंटेन 20 की मेजर्स दैट विल नॉट ओनली इनेबल इंडस्ट्री टू बिकम कॉम्पिटिटिव बट ऑल्सो फ्लरिश इन टाइम्स टू कम एंड बिकम कॉम्पिटिटिव नॉट ओनली इन दिस रीजन बट ऑल्सो एट द नेशनल लेवल। जो स्टेप्स दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
सबसे महत्वपूर्ण स्टेप मैं मानता हूं लोकल फिल्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन जेम। ये पहली बार मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनुरोध पर यह बड़ा फैसला किया है जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलने वाला है। प्राइस प्रेफरेंस टू एमएसएमई, मुझे लगता है स्पष्ट होगा आपको 15% का प्रेफरेंस एमएसएमई को दिया जाएगा। मान लीजिए कोई मिनिमम 100 रुपए का कोटेशन दिया है, एमएसएमई 115 देती है, तो उसको 20% ऑर्डर हम एमएसएमई को प्राथमिकता के आधार पर दे सकते हैं। मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ 20% फ्रॉम द लोकल एमएसएमई विद इन द स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम, रिलीज ऑफ एफडीआर सीडीआर इन एक्सपीडियस मैनर ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक बड़ी शिकायत आती थी काम खत्म हो गया है एफडीआर, तो मैंडेटरी कर दिया कि 1 महीने में कंपल्सरली वापस कर देना है। सेंसिटाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स बायर सेलर मीट्स 15 दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल एमएसएमईज, रिव्यू ऑफ एसआरओज रिलेटेड टू जीएसटी रीइंबर्समेंट्स, रिव्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ अलाउड यूसेज ऑफ लैंड इन इंडस्ट्रियल एरिया। सामान्य तौर पर 40% लैंड अलाउड थी यूज करने के लिए, एक विचार आया है कि 60% तक लोग यूज कर सकें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ फी चार्ज ऑन एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, उसको भी रैशनलाइज करने का काम रिकमेंडेशन है वो लागू करेंगे। रिव्यू ऑफ चार्जेज एंड ट्रांसफर ऑफ यूनिट टू ए ब्लड रिलेशन, किसी बाप के पास जमीन थी बेटे को ट्रांसफर होनी है तो उसको भी रैशनलाइज करेंगे। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन एज पर आत्मनिर्भर अभियान, कमिटी फॉर एग्जामिनिंग लेवी ऑफ यूजर चार्जेस इन मंडीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। अब पंजाब से कोई सामान आ रहा है यहाँ की मंडी में, तो जिस तरह से वहां पर व्यवस्था है, लोकल लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए जरूरत होगी तो टैक्स भी लगाएंगे ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंकर यूनिट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंशन ऑफ फुटप्रिंट्स ऑफ बेनिफिट अंडर सीजीटीएमएससी एंड ट्रेड रिवाइवल रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम। मुद्रा लोन्स ऑलरेडी तेज रफ्तार से चल रहा है, रेगुलर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, टाइमली जीएसटी रिइंबर्समेंट। एक बड़ी शिकायत थी 1 जनवरी से ऑटोमेटिक रिइंबर्समेंट का सिस्टम यहां लागू हो जाएगा और बिना किसी देरी के रिइंबर्समेंट प्रारंभ हो जाएगा। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ निगेटिव लिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, मैं समझता हूं कि कमेटी ने बहुत विस्तृत उपाय सुझाए हैं जिससे जम्मू कश्मीर के स्थानीय उद्योगों की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी और उनकी जो प्रशासन से मदद की उम्मीद थी उसे भी उन तक पहुंचाया जा सकेगा। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में आवाम की सहूलियत और बिजनेस की तरक्की के लिए हमने 83 एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही थी और मैंने आपसे कहा था कि उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को हम स्वयं मॉनिटर करेंगे। मुझे आपसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 50% सुझावों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मैं चाहता था 75%, लेकिन यहाँ की रफ्तार को जितना भी गियर बढ़ा रहा हूँ जरा थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आगे मुझे लगता है और गति पकड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन जो हुए हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5% इन केस ऑफ ऑल बोरोवर्स, द फर्स्ट ट्रेंच इज बीइंग रिलीज टुडे। 50% वेवर ऑफ द फिक्स चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेज इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, रिलीज ऑफ पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर 2014 एंड 2016 रिहैबिलिटेशन स्कीम्स फॉर रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स, दिस इज बीइंग डन टुडे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फॉर एग्जामिनिंग डिले इन पेमेंट्स टू इंडस्ट्रीज एंड सप्लायर्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फंक्शनल एनपीएस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, द डिस्कशंस विद बोरोवर्स विद द जेएनके बैंक हैव कमेंस, हैव ऑलरेडी बीन डन। 92% का टारगेट इसमें हम आज की तारीख में अचीव कर लिए हैं। होल्डिंग ऑफ वर्कशॉप रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर जेम इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 8 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर बीइंग कवर्ड टुडे,
rest and will be covered very soon. A special desk to facilitate youth and women entrepreneurs has been set up by the bank. Credit cards scheme for artisans and weavers by enhancing the credit limit from rupees 1 lakh to rupees 2 lakhs with interest subvention of 7% has already been approved. Customized health tourism scheme by Jammu Kashmir Bank for financial assistance to persons associated with the tourism sector has been launched and further streamlining underway. Land bank exclusively for the establishment of food park clusters. 4 such clusters already identified. Land bank in the industrial estates for the establishment of warehouses. Soft loan to bakers for ovens. J&K Bank has been suitably instructed. Committee for regular stakeholder consultation has been set up. Streamlining of guarantors required for working capital loan. वो तीन से दो कर दिया गया. Conduct of workshop to remove difficulties and delay in filing reimbursement claims. 8 districts have already been covered and 2 districts are being covered today. Establishment of consumer forums. Rationalization of restrictions on movement of manpower and material to industrial estates has been taken forward. तो मोटे तौर पर मैं कहूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय थे वो सब हम लोगों ने ले लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया. आप देख सकते हैं प्रगति के रास्ते पर तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं. एक महीने के भीतर 50% इम्प्लीमेंट करना मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई बात है. देश के कई राज्यों के लिए भी मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छी खबर होगी. साथ ही मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के आवाम को भरोसा देना चाहता हूं कि जल्द ही सभी रिकमेंडेशंस का 100% इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा. मैंने बार बार दोहराया है कि घोषणा नहीं करेंगे बल्कि काम करके दिखाएंगे. और मेरे जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के प्रयासों में तनिक भी कमी नहीं रहने दी जाएगी. आई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट वर्क्स इकोनॉमिक ग्रोथ providing quality education, health facilities, skill development, employment opportunities and farmer-centric initiatives to ensure accelerated growth with inclusion and equity as envisioned by our Honorable Prime Minister. और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन और मेरे सभी साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं. सभी अधिकारी इस काम में पूरी मेहनत से लगे. कुछ क्षेत्रों पर अब विशेष ध्यान देने की कोशिश आने वाले समय में करने वाले, उसमें स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस पर कई कार्य योजनाएं बनाने की कोशिश में हम सब लगे हैं. मुझे लगता है शीघ्र ही इसके विषय में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे. फॉस्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ along with the system based on values of transparency and accountability is the core of the governance. I take this opportunity to mandate achievement of 100% DBT in all individual beneficiary schemes within this UT. Mitron, kuch do teen mahatvapurna baatein aur bhi aapse main saajha karna chahta hu. Aap sabko malum hai ki panchayaton ke chunav jo सीटें रिक्त हैं उनका भी, और अभी तक 2-tier सिस्टम था यह, अब इसको 3-tier सिस्टम में बदल दिया गया है. और मुझे लगता है 1992 में जब पंचायती राज एक्ट बना था तो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें देश के बाकी राज्यों ने ये 3-tier सिस्टम लागू किया. किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सका. मैं मानता हूं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए यह बहुत अनिवार्य है और इसलिए उसे हमने लागू किया है. और उसके चुनाव जल्द ही, मेरा वो काम नहीं है, यहाँ के चुनाव अधिकारी उस विषय में विस्तार से बताएंगे. 31 अक्टूबर को एक आयोजन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, उसका नाम है यस JNK, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर. ये यूथ आउटरीच का
और उनके एंगेजमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग करना चाहते हैं। देश भर के एक्सपर्ट्स को बुलाया है, हमारे सरकारी विभागों में जो विभिन्न योजनाएं हैं यूथ के लिए, उनको कैसे एक साथ क्लब करके यूथ की हैंड होल्डिंग करके उन्हें आगे बढ़ाने, और आने वाले समय में जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे OIM हो, IIT हो, NIT हो, यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे यूथ को आइडेंटिफाई करना और राउंड टेबल हैकाथॉन इस तरह करा करके वही समस्या बतावें, समाधान भी वो खुद बतावें, कुछ देश के एक्सपर्ट्स को बुला करके आगे इसे बड़े पैमाने पर हम यहाँ के लिए लागू करना चाहते हैं। और विशेष रूप से जो सेक्टर हम लोगों ने चुने हैं, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिक्रिएशन एंड थेरेपी, स्पोर्ट्स, काउंसलिंग, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम काम करने वाले हैं। एक बात आपके ध्यान में होगी ही कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम डिस्ट्रेस सेल न हो पुलकी, इसके लिए पिछले साल भारत सरकार ने यहाँ लागू किया था पहली बार। उस स्कीम को भारत सरकार ने फिर से दोबारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए लागू कर दिया है। नफेड कल पहली खरीद यहाँ करने वाली है, मैं स्वयं उसमें रहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि अतुल ग्रोवर्स का भी भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया है। जॉब और रिक्रूटमेंट्स की बात बताना जरूरी समझता हूँ। 24,000 पोस्ट अंडर प्रोसेस, 11,455 जॉब्स एडवर्टाइज एंड रिक्रूटमेंट अंडर वे, जल्द ही एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद 12,379 हैव बीन अप्रूव और रेफर कर दिया गया है PSC को, SSB को। मैं समझता हूँ जल्द ही वो एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो बाकी जो जगहें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उस काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि आज काफी लंबा समय हमने दिया है, वक्त के साथ बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है, वह भी जमीन पर दिखाई पड़े ये कोशिश हम करेंगे। आप सबके प्रति मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। एजाज रहमानी साहब के शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी से पांव के छाले न देखो, अभी यारों सफर की इब्तिदा है, और अंत में एक आंख अभी दिल की कहां बात करे हैं, हम वक्त मिले हैं तो सवाल करे हैं, हर लफ्ज को छूते हुए जो काम ना आए, बर्बाद वो अल्फाज की औकात करे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर एक अनुरोध होगा कि जो विषय आज रखा गया है बड़ा महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए यहाँ के बिजनेस, ट्रेड, यूथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो मेरा निवेदन ये होगा कि अगर इसमें कोई इससे संबंधित कोई बात हो तो आप जरूर पूछे। चीफ सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, हमारे बैंक के भी हैं, यूनिट के भी हैं, तो ये लोग आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। थैंक यू।